अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टार गोट्स फार्म में आपका स्वागत है। आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं और अल्लाह के फजल करम से कल जो हमारी प्रेग्नेंट फीमेल के ऊपर जो वीडियो दी, बहुत अच्छा रिस्पांस आया, बहुत सवाल आए, बहुत जवाब मैंने दिया, लोगों को कमेंट्स किया और व्हाट्सएप पे भी जवाब दिया। माशाल्लाह बहुत अच्छा वीडियो चली और लोगों ने उसको पसंद बहुत ज़्यादा किया। तो उसमें कई सवाल ऐसे होते हैं जिससे मैं टैक्स नहीं कर पाता, यानी मुझे लिखने में तकलीफ होती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वैसे जो आपके सवाल होंगे आप मुझे व्हाट्सअप करें और व्हाट्सअप में भी वॉइस नोट डालें, यानी वॉइस मैसेज जो आता है ना वो आप डालें, तो उससे मुझे काफ़ी आसानी होगी कि मैं आपको समझा सकूं और जो चीज़ें आप मुझे बोलेंगे, आपके एक्चुअली कुछ बोलने में और लिखने में काफ़ी फ़र्क हो जाता है, तो वो एक बड़ी दिक्कत का मामला है। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग टैक्स मैसेज ना करें, मुझे वॉइस नोट भेजें, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब वॉइस नोट से ही दूंगा। और कुछ आज मेरे पास कुछ लोगों के कमेंट्स थे, इंशाल्लाह मैं वो पढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ कि वो कैसा है उनका, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। और भी कई लोग हैं, कई सवाल है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, कुछ आपसे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। और आप अल्हम्दुलिल्लाह पीछे तो आप देख ही रहे हैं, अल्लाह के फजल करम से हमारा फीडिंग का टाइम चालू है और बकरों की फीडिंग हो रही है, तो ये एक वीडियो भी चल रही है पीछे। और मैं आपको वही बहाने एक नीचे आपको स्क्रीन में मैं आपके सवालों के जवाब और कुछ जो चीज़ें हमारे अंदर है मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो चलते हैं, देखते हैं। मैं मोबाइल है दूसरा मेरे पास, तो उसमें से देखते हैं। और मोहम्मद अफजल, कल के ही वीडियो में मोहम्मद अफजल है, उन्होंने मुझे सलाम लिखा है। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरह से आपने बताया, जज़ाकल्ला, जज़ाकल्ला भाई आपको भी, और मुबारक, बाल निकाल दिए। हाँ भाई, बाल निकाल दिए, काफ़ी गर्मी है, अच्छा करे भाई, ठीक है, थैंक यू। बाल निकालने का तो मैंने रीज़न बताया कि हेयर कट के लिए सलून में जाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं बाल निकाल दिया और गर्मी भी काफ़ी है, तो शुक्रिया, जज़ाकल्ला भाई। इनका आगे ये कंटिन्यू है कि बकरी की डिलीवरी की वीडियो बनाए जो आपके इधर आपके फार्म पे, तो अभी इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि बकरी की डिलीवरी की वीडियो जो एक ये जो चीज़ है, एक ऐसी चीज़ है, थोड़ा सी बताना दिक्कत मुझे लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब बकरी डिलीवरी करती है, बच्चे होते हैं, वो चीज़ बताना थोड़ा सी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इंशाल्लाह अगर आप लोग मुझे व्हाट्सएप या कमेंट्स में डालें कि मैं वो वैसी वीडियो बनाऊं, तो मेरे इधर इंशाल्लाह महीने भर के अंदर 2-3 बकरियां बच्चा देने वाली है, तो मैं कोशिश करूंगा वैसी वीडियो बनाने की। लेकिन अगर आप लोगों के कमेंट्स नहीं आते हैं इस टॉपिक के ऊपर, तो मैं ये वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा थोड़ा सी एक एहतराम के तौर पे, यानी थोड़ा सी सोचना पड़ता है कि मेरे वीडियो कई औरतें भी देखती हैं और भी लोग देखते हैं, बड़े लोग देखते हैं, तो थोड़ा सी वो चीज़, जबकि वो चीज़ काफ़ी जानकारी की है, जब बच्चे होते हैं तो उस टाइम पर क्या ध्यान रखा जाएगा, फिर उनके जो नाखून होते हैं उन्हें तोड़ना पड़ता है, बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं वो वीडियो के ज़रिए ही बता सकता हूँ। लेकिन अगर आप लोगों की इजाज़त रही और आप लोग अगर चाहते हैं ऐसा वीडियो देखना, तो आप मुझे कमेंट्स में डालें। तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा पॉइंट था आपका भाई का, मोहम्मद अफजल भाई का। एक है मोहम्मद उमर, लोकेशन तो नहीं मालूम है, लेकिन मोहम्मद उमर है, हमारे जैसे एक दो बकरी शौक पालने वालों के लिए, यानी एक दो बकरी के पालने वाले जो शौक करते हैं, आपने रहनुमाई करी है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्ला भाई। मैं भी एक दो बकरी पालते पालते ही यहाँ तक आया हूँ, तो स्टार्ट हमने एक ही बकरे से करी थी, शौक तो बचपन से था, लेकिन जब एसटीडी हुई तो जब थोड़ा पैसा आया पालने के लिए, तो हमें मौका लगा और वो टाइम पे ही मैं स्टार्ट किया था एक से दो बकरा पालने के लिए, तो हम लोग भी वैसे ही स्टार्ट किए। तो आप इंशाल्लाह अगर आपके ज़रिए किसी और को रहनुमाई होगी तो मैं बहुत खुश होऊंगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उन्हीं का दूसरा वो है कि आप हमको पक्का फार्मर बना देंगे इंशाल्लाह भाई, फार्मर तो नहीं बनाएंगे लेकिन बकरों का शौकीन बना देंगे, बकरों के बारे में जानकारी आप तक का सब पहुंचा देंगे। दूसरे भाई, ये हमारी कल की वीडियो है, मुस्तफ़ा कामतिकर भाई, बकरे बिक गए क्या? हाँ बकरे बिक गए क्या, फार्म पे कम दिख रहे हैं, बाकी नाइस इन्फॉर्मेशन। हाँ भाई, बकरे तो अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन में जो 450 का रेट हमने ओपन करे थे, तो उसमें हमारे पास कुछ छोटे छोटे बकरे थे, यानी समझ लीजिए आप वो 35 किलो के अंदर के बकरे थे सब, तो अल्लाह के फजल करम से काफ़ी बकरे वो मैंने सेल कर दिया, बिक गए वो।
तो अभी फिलहाल तो मेरे पास खाली कुर्बानी के जो बड़े बकरे हैं वही है जो 60 किलो के ऊपर है, यानी लगभग सभी 60 किलो के ऊपर है और 100 किलो के लगभग है, तो वो बकरे अभी मेरे पास बचे हुए हैं। तो आपका अच्छा सवाल था, आप लोग काफ़ी ध्यान रखते हैं हमारे फार्म पे क्या चीज़ है क्या नहीं है, तो उसके ऊपर है। एक है आसिफ हुसैन, माशाल्लाह भाई, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, जज़ाकल्ला भाई, जज़ाकल्ला। ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, मैं आपका न्यू सब्सक्राइबर हूँ, मैं फार्मर नहीं हूँ, पर मुझे बकरी पालने की ख्वाहिश हो रही है। तो हमारा वीडियो जो अवेयरनेस है, यानी ये आप लोगों के लिए है कि आप लोग बकरा पालना स्टार्ट करें। मैं ये नहीं चाहता, मैं तो एज अ ट्रेडर हूँ, मैं सबसे पहले शौक करता था, फिर उसके बाद ट्रेडिंग में आ गया, मैं अपने आप को ट्रेडर ही मानता हूँ, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आप लोगों को शौक पैदा करना हमारे मेन वीडियो का मकसद यही है कि आप लोगों, मैं और यूट्यूबरों की तरह नहीं हूँ जो यूट्यूब है ये वीडियो बना दिए वो वीडियो बना दिए, मेरी वीडियो इंशाल्लाह जहाँ तक के मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, चाहे मेरी सेल की वीडियो हो या कोई भी वीडियो हो, मैं मेरी पूरी कोशिश ये है कि आपको कुछ ना एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी मेरे ज़रिए आपको मिले ना, तो मुझे बहुत खुशी होगी, तो मैं मेरी कोशिश वही चल रही है। अभी एक और भाई है, एक नाजिम शेख करके हैं, उन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया है मुझसे कि बकरी हीट पे क्यों नहीं आती, इस टॉपिक पे भी बना दो भाई एक वीडियो। तो बकरी जो हीट पे नहीं आती वो एक बहुत अच्छा टॉपिक है, काफ़ी बकरियां जो ऐसी होती है कि एक उनकी एज होने के बावजूद भी वो हीट पे नहीं आ रही है, तो वो एक अच्छा टॉपिक है। मैं थोड़ा स्टडी कर रहा हूँ उसके ऊपर भी कि मुझे वो ऐसे कुछ क्वेश्चन का एक पूरा बंच बन जाए जिसकी वजह से मुझे वीडियो बनाने में आ जाए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, वीडियो थोड़ा लंबा और आपको इंटरेस्टिंग होना चाहिए, तो इसलिए इस टॉपिक मेरे ध्यान में है और अल्लाह ने चाहा तो मैं इस टॉपिक के ऊपर निज़ाम भाई बिल्कुल ध्यान दूंगा और बराबर मैं आपके लिए ये वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, और काफ़ी लोगों का इस टॉपिक के ऊपर मुझे काफ़ी सवाल है। दूसरा है देहरादून बकरा मंडी, ओह माशाल्लाह, मेरी बकरी मिल्क पिंक कलर का हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? भाई जो बकरी को दूध जैसे गुलाबी पिंकिश हो जाता है उसके अंदर इन्फेक्शन होता है, जैसे आपको मैं बताऊं रेड कलर को वाइट में मिलाएंगे तो पिंक हो जाता है, यानी जब दूध वाइट है उसके अंदर ब्लड कहीं से अंदर से आ रहा है, कोई इन्फेक्शन है या कोई चीज़ है तो वो पिंक हो जाएगा, तो आपके किसी डॉक्टर को, आपके इधर कोई डॉक्टर है वेटरनरी डॉक्टर है उसे आप बताएं, क्योंकि वो कंफर्म है उसके अंदर इन्फेक्शन है, बाकी और भी कुछ वजह हो सकती है, लेकिन जो छोटी मोटी चीज़ें होती है ये, और ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, इंशाल्लाह इसका इलाज है और आसानी से ये हो जाता है। उसके बाद है तौसिफ मंसूरी भाई, यू हैव फुल नॉलेज ब्रदर, अदर गोट फार्मर, थैंक यू। सही बात है, अल्हम्दुलिल्लाह इतने सालों से काम कर रहे हैं, एक्चुअली पालते 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 इतने सालों से जब बकरे आप पालते रहेंगे तो आपको खुद ब खुद नॉलेज हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि मेरे पास सब कुछ है, मैं सब मुझे पूरी नॉलेज है, हर चीज़ का इल्म है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मैं सीख रहा हूँ, आज भी कई लोगों के सवाल आते हैं तो मुझे भी नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिल रहा है, तो मेरे पास पूरा फुल नॉलेज तो अभी भी मैं नहीं हूँ, कंप्लीट कोई कभी नहीं हुआ है, इंशाल्लाह मैं कंप्लीट होऊंगा भी नहीं, क्योंकि इल्म जितना आप उसके दरिया है इल्म का, जिसके जितना आप डुबकी लगाते जाओगे उतना आपको मालूमात बढ़ती जाएगी। बहरहाल इनका आगे क्या है, यू हैव फुल नॉलेज ब्रदर अदर गोट फार्मर, जस्ट अदर गोट फार्मर जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रॉफिट, डोंट हैव फुल नॉलेज। भाई वो तो उनके ऊपर है, क्योंकि मैं किसी गोट फार्मर के बारे में तो बताऊंगा नहीं कि वो खाली प्रॉफिट के लिए, उनका सारा कॉन्सेंट्रेट प्रॉफिट पे होता है, तो आदमी बिजनेस करने के लिए ही है, और मैं भी बिजनेस कर रहा हूँ बकरों का, तो मेरा भी एक वो होता है, लेकिन मुझे मेरी कोशिश ये है कि मैं आप तक का अच्छी नॉलेज, जो आपको बकरों के मुतालिक छोटी मोटी जो घर में आप उसका केयर टेकिंग कर सके, उसका इलाज कर सके, वो सब चीज़ें मैं आप तक का पहुँचा रहा हूँ। एक है एच और सी करके है, इन्होंने दिया है, मैं उनका, हाउ मेनी मोर टाइम यू गोइंग टू विन हार्ट, थैंक यू सर, यू आर जस्ट डूइंग फैबुलस वर्क बाय शेयरिंग ऑल योर वैल्यूबल और प्रेशियस इन्फॉर्मेशन, थैंक यू।
मेरी कोशिश तो यही है कि मैं जितनी मेरे पास नॉलेज है मैं आपको दे दूं, लेकिन उसका ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। मैं पहले यूट्यूब पे था नहीं, लेकिन अभी जो मैं साल भर से एक्टिव हूँ, मैं पहले थोड़ा बहुत सेल की वीडियो ज़्यादा बना रहा था, लेकिन अभी लॉकडाउन का जो टाइम है तो उसके अंदर कितना बेचूंगा बकरा ये तो पॉसिबल नहीं है। तो मुझे एक दिमाग में आया कि मैं आप तक का अपनी नॉलेज को शेयर करूं, तो मेरी कोशिश अभी फिल वक्त तो वही चल रही है, मैं आप तक का अपनी नॉलेज ही वो शेयर कर रहा हूँ। दिस डे पीपल जस्ट मिस गाइड एंड मिसलेस्ड, बट यू आर नॉट एट ऑल डूइंग दैट। गॉड ब्लेस यू, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और भी है, एक एक भाई है सोहेल केजीएन करके, मेरी सुबह से इनसे थोड़ी सी टॉकिंग व्हाट्सएप पे बात भी है। इनकी राय कल की जो वीडियो थी हमारी, सोहेल भाई मैं आपको बता दूं, एक्चुअली मैं शुरू में भी बताया, मैं आप वीडियो तो इंशाल्लाह देख रहे होंगे, लेकिन मैं आप बेंगलोर से हैं मुझे मालूम है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मुझे टैक्स करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो आपने काफ़ी टैक्स दिया है मुझे, काफ़ी लंबा 2-3 टैक्स दिया है, कि एज़ पर माई एक्सपीरियंस बकरी को घूमने के लिए जगो एंड फार्म पे रखो, इवनिंग और हेल्थ मेंटेन करो, वैक्सीनेशन में मिनिमम बकरा फिट और लाजवाब भी रहता है, फार्म पे उसको फीडिंग कर लो, बकरी बाहर के अलावा। और एक्चुअली आपका मैं मतलब समझ गया, आपको थोड़ा सी एतराज़ है कि जो फार्म वाले हैं, गोट फार्मर है, जो फार्म हमारे बॉम्बे और महाराष्ट्र में चलता है। मैं आपके बेंगलोर के बारे में तो नहीं बता सकता वहाँ पे कैसा है, मैं बेंगलोर को जानता हूँ, जबकि हमारी ननियाल बेंगलोर की, मेरी मम्मी बेंगलोर के है, तो हमारा तो घर है वहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं चीज़ें आपको थोड़ी सी शेयर कर दूँ। आपको थोड़ा सी एतराज़ है जो मैंने कल वीडियो में बताया था, कल नहीं आई थिंक परसों की वीडियो में, कि आप गोट जो बाहर लेके जाते हैं उनके लिए आपको ऐसा लगता है कि जो फार्म पे है बकरे वो गलत है और बकरों को चराना वो सही है। तो आदमी की अपनी अपनी सोच है भाई, मैं उसमें आपको सोच को, और पांचों उंगली एक जैसी नहीं हो सकती, मैं आपकी सोच को गलत नहीं साबित करना चाहता, लेकिन मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जैसे बाहर जाने पर, मैं उस दिन भी अच्छी चीज़ें समझाया था, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जब बाहर बकरियाँ चरने जाती हैं, आप लेके जाते हैं, हेल्थ इशू के अलावा भी। मैं आपको एक छोटी सी दो चीज़ें खाली बताऊंगा जल्दी से जल्दी, इंशाल्लाह और भी थोड़े से सवाल है, मैं आपको ये चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि प्रॉब्लम ये होता है जब बकरियों का आप चराने एक साथ 10-15-20 बकरियों को लेके जाते हैं या बकरों को लेके जाते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि जब बकरियाँ चलती है तो कई जगह खेतें आती हैं और घास होती है, उस पे जो किसान होते हैं उसके ऊपर कीटनाशक जो होती है, अक्सर मैं देखा हूँ कीटनाशक की दवाएँ ये छिड़काव होती है और भी कई किस्म होती है, तो वो बकरे वो घास को खाते हैं, तो उसके अंदर कुछ वर्म्स होते हैं जो बहुत जल्दी उनको प्रॉब्लम देते हैं, और भी चीज़ें होती हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, आपको थोड़ा सी आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी, मेरी नॉलेज तो है अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में, कि जो डॉग होते हैं, कुत्ते होते हैं, वो अक्सर जगह जगह पे पेशाब करते हुए घूमते हैं, आपने देखे होंगे जंगली कुत्तों को जो पालतू कुत्ते होते हैं। थोड़ा सी इसमें मैं टाइम लूँगा, आपको समझा दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो वो कुत्तों के पेशाब जो होती है, उनकी जो पेशाब करते हैं कुत्ते लोग, वो जो घास पे या पत्तों पे अगर वो पेशाब होती है और वो पत्ता अगर कोई बकरा हमारा खा ले, तो इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि बकरे जगह पे गोल गोल राउंड राउंड घूमते हैं, आपके बकरे अक्सर देखे होंगे, होता है ये अक्सर, मैं अक्सर फार्म पे देखा हूँ, तो ये रीज़न है। उनको एक टेक वॉर्म्स हो जाता है जो दिमाग में होता है अक्सर, कभी कभी काटने के बाद आपने देखे होंगे कि दिमाग में बकरों के भेजे के पास है कीड़े निकलते हैं, तो वो बकरों को यही रीज़न है कि जब वो पेशाब लगा हुआ, कुत्तों की पेशाब लगा हुआ पत्ता खाने की वजह से ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है। ऐसे और भी कई प्रॉब्लम है भाई, कि जिससे मैं लोगों को मना करता हूँ कि आप बकरों को बाहर लेके ना जाएं। और फार्म पे रखने का रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ, मैं मेरा जो आप फार्म देख रहे हैं ये ट्रेडिंग के हिसाब से है, मैं गोट फार्मिंग नहीं करता हूँ, मैं गोट फार्मिंग नहीं करता हूँ। अभी जो स्टॉक बच जाता है उसको कुर्बानी के लिए 2-3 महीना हम लोग उनको रेडी करते हैं, बाकी आप मेरे फार्म पे आएंगे तो आपको कभी भी एक बकरा साल भर नहीं दिखेगा, हम लोग उसको सेल कर देते हैं, यानी मेरा ट्रेडिंग का काम है। तो आपने जो क्वेश्चन मुझसे किया था वो मैं आपको मैसेज के थ्रू तो समझा नहीं सकता था, लेकिन आपने उसमें एक बहुत गलत बात करी थी,
मैं आपको वो भी बता दूं, आपने लिखा है बट फैट से फ़ायदा फार्मिंग, यानी ये गोट जो फार्म वाले हैं उनके लिए आपने बताया कि फैट से फ़ायदा फार्मिंग के लोगों को होता है और कस्टमर को क्या, यानी जो बकरे मोटे हो जाते हैं उसका फ़ायदा फार्म वालों को होता है, कस्टमर को कुछ नहीं होता। और उसमें आगे आपने एक गाली लिखी सी वाली, चू वाली, मैं लूँगा नहीं, आपको बता दूँ गाली से मैं थोड़ा सा अभी परहेज कर रहा हूँ। सी होना बिकॉज 100 केजी का बकरा फार्म का सिर्फ 40 केजी मटन, यानी जो 100 किलो का बकरा होता है उसके अंदर सिर्फ 40 किलो गोश निकलता है, और 40% 40 केजी मटन और 35% फैट, यानी जो चर्बी होती है वो 35% चर्बी निकलती है और 15% वेस्टेज निकलता है। फाइनली कस्टमर के लिए ये लॉस है, धोखा है, अल्लाह बेहतर जाने फार्मर, अल्लाह बेहतर जाने आप फार्मिंग के लोगों का क्या होगा। भाई बहुत, पहली चीज़ तो आपने जो गाली से कमेंट्स में डाले वो बिल्कुल गलत है, आपको समझना चाहिए, रमज़ान का महीना भी है और उसके बाद आगे के उसमें आपने मुझे लिखे भी है, मैंने आपको अगर वो चीज़ बोला तो उसके बाद आपने, मैंने गाली के लिए आपको वो मैसेज किया था तो आपने बताया उसमें कि आसिफ एसटीडी भाई बुरा मत मानो, आप वो गाली नहीं है, जुमला है, फैक्ट है, हकीकत है। भाई गाली देने के बाद आप बोलेंगे वो फैक्ट है, हकीकत है, तो वो अच्छी बात नहीं है। और भी आगे आपका एक मैसेज है कि बात मटन की नहीं है और काफ़ी ऐसे है, तो मैं आपकी ये जो चीज़ है मैं किसी को वो शो नहीं करना चाह रहा हूँ या किसी, लेकिन मेहरबानी करके आपको, आपको मेरी बातें पसंद नहीं आती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मुझे कॉल कीजिए, मेरा नंबर रहता है भाई ऊपर यहाँ पे, मैं नंबर डालता हूँ, तो आप मुझे बताएं आपको तकलीफ़ क्या है। गाली लिखने से प्रॉब्लम ये होता है कि वो कमेंट्स मेरे हर कोई पढ़ता है, यहाँ तक कि मेरे बच्चे पढ़ते हैं, मेरी वाइफ भी पढ़ती है, तो मुझे शर्म आती है वो चीज़ के लिए कि आप लोग या मुझे गाली दिए या किसी और को गाली दिए, तो ऐसा गाली से बात मत करें। आपको एतराज़ है कोई चीज़ पे मेरी, या फिर जो गोट फार्म, जो हमारे इधर इतने बड़े बड़े गोट फार्म है महाराष्ट्र में, मैं बेंगलोर का तो उतना आइडिया नहीं है कि वहाँ पे गोट फार्म है, लेकिन हमारे इधर जो गोट फार्म है लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। आपने उसमें बताया कि जस्ट गोट फार्म का जो बकरा होता है जस्ट लाइक अ बॉयलर, यानी बॉयलर मुर्गी, लेकिन बॉयलर मुर्गी भाई जो नॉर्मल हम लोग मुर्गी फार्म पे, हमारे इधर भी मुर्गियाँ पलती है, मेरे इधर बच्चा भी हमारे इधर जो पैदा हुआ तो लॉकडाउन से पहले हुआ था, अभी तक का इतना बड़ा सी बच्चा है, इतना बड़ा बच्चा है, और जो बॉयलर होती है वो 29 दिन 30 दिन के अंदर पूरी अडल्ट हो जाती है, कटने चले जाती है, और जो नॉर्मल फार्म का बकरा होता है वो पूरा साल ही लेता है नॉर्मल बनने के लिए, उनको इंजेक्शन मार मार के एक महीने में बड़ा नहीं करते, जो वो उनका जो नॉर्मल पीरियड है वो पीरियड ही लेता है बकरा। तो आप ये ना समझिए कि बकरों को इंजेक्शन मार मार के 28-30 दिन में बड़ा कर दिया और आप ले गए, बहुत मेहनत है भाई फार्म वाले, मैं फार्म पे नहीं पालता हूँ, लेकिन मैं जो लोग पालते हैं मैं उनको जानता हूँ, बहुत खर्चा है, लाखों रुपया उनका साल का चला जाता है, उसके बाद जब एंड में अगर बाजार टूटती है तो क्या पोजीशन होती है वो उनके दिल से पूछो। मैं कस्टमर और फार्मर, जो दुकान गोट फार्मर है, मैं दोनों का अलग अलग नज़रिया है, मैं कस्टमर के बारे में भी हमेशा से बताते आया हूँ, अवेयरनेस फैलाते आया हूँ, आपको कैसे बकरे मेरे, आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं जाके, तो आपकी जो सोच है मैं उस सोच को बदल नहीं सकता, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप मुझे पर्सनली फ़ोन करें। बहरहाल ये एक छोटा सी आपका भी एक टॉपिक था और भी कुछ मेरे ख्याल से होएगा इसके अंदर एक आध दो, बकरी हीट पे क्यों नहीं आती, ये तो हो गया आई थिंक। भाई एक बात, कोई शरीफ जिया भाई है, भाई एक बात और, जो बकरी फर्स्ट टाइम गाभिन होती है उसे दूध की थन मालूम हो जाती है, ये थोड़ा सी लैंग्वेज का भी इशू होता है, काफ़ी लोग बाहर गेट बंद कर, दूसरा एक उनका है भाई अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, बकरी जिस दिन क्रॉस होती है उसके पेशाब के रास्ते में कचरा जमता है, 2 दिन तक उसे पता चल जाता है कि हमारी ये पता चल जाता है वो गाभिन है, ये मेरी गारंटी है। बिल्कुल सही बात है भाई, बहुत सी चीज़ें होती है जिससे गाभिन मालूम करा जा सकता है, लेकिन मैंने जो आसान तरीका है,
आप लोगों को आसान तरीके से समझाने की कोशिश किया हो कि जो चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं वो आसानी से आप लोग समझ जाएं, वो बहुत अच्छी चीज़ है। बेसिक चीज़ों के ऊपर मैंने कॉन्सेंट्रेट किया, ऐसे कई चीज़ें और भी है जो लोग नहीं समझ पाए, लेकिन जो स्टार्ट है आदमी करते 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 इंशाल्लाह आप लोगों को सब चीज़ें आ जाएगी, अल्लाह ने चाहा तो। मेरी दुआ है आप लोगों के लिए, आप लोग करते करते और एक से दो बकरा करते करते इंशाल्लाह नए लोग हैं जो इस लाइन में नए लोग आना चाहते हैं उनके लिए भी मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छी लाइन है इंशाल्लाह। आज तो मैंने काफ़ी कोशिश किया आपको जो अलग अलग क्वेश्चन थे उसके बारे में बताने की, कि और भी कई सवाल लोगों के कंटिन्यू आते रहते हैं मैं, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप तक का हर चीज़ें मैं पहुंचा सकूं और हर लोगों को। लेकिन मैं मोस्टली आपने देखा होगा कि मैं हर कमेंट्स के और मेरे व्हाट्सएप पे हर मैसेज के मैं 99.9% में जवाब देने की कोशिश करता हूं। एक आध परसेंट किसी का अगर छूट जाता है तो उसके लिए मैं सॉरी, मैं भूल जाता हूं, या क्योंकि कंटिन्यू काफ़ी मैसेजेस रहते हैं। बहरहाल आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई और थोड़ी बातें ज़्यादा हो गई, लेकिन इंशाल्लाह इस बात से भी, इस वीडियो से भी आपको काफ़ी चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा, आपकी नॉलेज में कुछ ना कुछ इंशाल्लाह इजाफा होगा। तो बहरहाल वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं, व्हाट्सअप करें, और भी कुछ सवालात हैं आपके वो मुझे करें। और जो एक चीज़ मैं और बता दूँ, मैं दवाओं के बारे में, मेरे छोटे भाई को मुझसे ज़्यादा नॉलेज है तौसीफ को, और लॉकडाउन की वजह से वो बॉम्बे में है और मैं मुमरा में हूँ, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो तौसीफ लॉकडाउन ओपन होने के बाद जब फार्म पे आना रेगुलर चालू हो जाएगा तो हम पूरी दवाओं की सीरीज़ बनाएंगे, जिसमें हर दवाओं के बारे में, निमोनिया के लिए, हर चीज़ों के लिए कैसे दवाओं का इस्तेमाल किया जाएगा, इंजेक्शन आप कैसे लगाएं, और भी सब चीज़ें हैं बेसिक चीज़ें, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको सब बताऊँगा। तो इंशाल्लाह वेट करें और इंतज़ार करें उस चीज़ों के लिए। बहरहाल वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएँ, अपने फीडबैक दें, और इंशाल्लाह फिर एक वीडियो के साथ कल मैं वापस हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।